फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हमारा माइक्रोवेव कितना गंदा है। आप ऊपर की साइड भी देख रहे होंगे, ये काफी गंदा है। तो आपको ये माइक्रोवेव जो है बहुत आसानी से अब साफ करने का जो तरीका है आपको नलिनी किचन में मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं फटाफट इसके लिए क्या कर सकते हैं। दो उपाय, हाफ कप पानी लें, ये सादा पानी है, और बड़े बोल में लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये एक चम्मच बेकिंग सोडा इसके अंदर डालें और इसको रखें माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में रख करके इसको हम 5 मिनट माइक्रोवेव मोड पे लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको निकालेंगे, गर्म है, ध्यान रखें। हमको पेपर टॉल लेना है या आप किचन टॉल भी ले सकते हैं, और फटाफट हमें क्या करना है, इसको साफ करना है अंदर के एरिया को, और इस तरीके से आप इसको साफ करें। दूसरे तरीके के लिए ये भी बहुत आसान तरीका है, आप सेम बोल लें, एक बड़ा बोल लें और उसमें एक आधा कप पानी डालें और 2 से 2.5 चम्मच आप इसमें विनेगर डालिए। बड़े चम्मच होने चाहिए, यानी कि 2.5 टेबल स्पून होना चाहिए, और वाइट विनेगर ही इसमें डालेंगे या सिंथेटिक विनेगर। और उसके बाद इसको भी माइक्रोवेव में रख करके 5 मिनट हम माइक्रोवेव चला देंगे। इस तरीके से इसको रखेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव सेट कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको निकालेंगे। अब एक साफ कपड़े की हेल्प से हम अंदर पोंछेंगे इसको। हम इस प्लेट को भी निकाल लेंगे, रबर स्टैंड को भी निकाल दें। अब इसके अंदर हम इस तरीके से साफ कर देंगे। तो अब माइक्रोवेव साफ करना 2 तरीकों से बहुत आसान है। बेकिंग सोडा और विनेगर से साफ कीजिए, अंदर के जर्म्स भी मरेंगे और आपका बहुत नीट एंड क्लीन माइक्रोवेव हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसका जो ग्लास है इस पे ये विनेगर वाला वाटर इस पे डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसी कपड़े से आप इस तरीके से इसको भी साफ कर दें। आप चाहें तो साबुन से भी धो सकते हैं, जिस सोप से हम बर्तन धोते हैं उससे भी आप साफ कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए इससे आप धोने से क्या होगा कि इससे जर्म्स भी मरेंगे और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। लुक एट दिस, और कुछ ही पलों में ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया। इनको यहाँ लगाएं और इस ग्लास तवा को भी इसके अंदर सेट कर दें इस तरीके से आसानी से, और आपका माइक्रोवेव देखिए नीट एंड क्लीन रेडी है।